सो हेलो मेरे भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। अब देखो यार, तुम सब तो अच्छे से जानते हो आज कौन सा दिन है। आज फ्राइडे है और आज आने वाला है वन पीस का मांगा चैप्टर 1040 जो कि अनऑफिशियली आएगा और वो आ चुका है। और सच बता रहा हूँ, ये चैप्टर छोटा था बट अच्छा था। छोटा चैप्टर लाया, जबरदस्ती का लंबा नहीं खींचा, वही चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले अगर मैं बात करने जाऊँ इस चैप्टर के टाइटल की, तो चैप्टर का टाइटल है फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स। अब यार जब मैं इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा आगे, तो तुमको आराम से पता चल जाएगा ये टाइटल क्यों रखा गया है। और हो सकता है ऑफिशियल चैप्टर जब आए तो इसका टाइटल चेंज भी हो जाए, तो इसलिए हैरान मत होना। चैप्टर के अगर मैं कवर पेज की बात करूं, तो तुमको याद होगा पिछले कवर पेज में हमें क्या बताया गया था। कवर स्टोरी चल रही है एस्केपिंग फ्रॉम द होल केक आइलैंड, या फिर ऐसा ही कुछ वो कवर स्टोरी का नाम है। और वहां पर हमें बताया गया था नीजी और योनजी को पकड़ लिया गया था बिग मॉम पायरेट्स के द्वारा। अब देखो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि वो लोग दोनों किस तरह से पकड़े गए थे। लिनलिन ने उन्हें हरा करके उनको पकड़ लिया था और वो लोग किताब के अंदर कैद हो करके वही चीज सोच रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं भाई, पिछले चैप्टर में क्या हुआ था तुमको याद ही होगा। किड ने लिनलिन के ऊपर अटैक कर दिया था और उस अटैक का क्या लिनलिन के ऊपर असर हुआ? हाँ भाई, असर हुआ, बट वो दोबारा खड़े होने के हालत में आ गई और वो सोल चुराना चाहती थी। वो भी किन का? लॉ और किड के पायरेट क्रूज का। ये चीज जान करके ना बाकी सारे जितने भी क्रू मेंबर्स थे किड और लॉ के, ये सब जो हैरान हो गए कि इतना ज्यादा अटैक झेलने के बाद भी ये बुढ़िया खड़े होने के हालत में आ रही है और वो झेल चुकी है। बट यहाँ पर लॉ अपना जलवा दिखाता है, बिकॉज वो क्या करता है, रोजनांते का डेविल फ्रूट पावर तुमको याद ही होगा वो किस तरह से काम करता था। वो रूम के बाहर साउंड नहीं जाता था और वही चीज लॉ ने किया। भाई मुझे एक बात बताओ, लॉ ये मिला के ना 3 से 4 बार बोल चुका है ये मेरा आखिरी अटैक है, इसके बाद मेरे अंदर जरा भी एनर्जी नहीं बचेगा, मैं पूरी तरह खत्म हूँ। पर साला वही बोल बोल के करीब 4 से 5 ऐसे ऐसे अटैक कर चुका है जो लिलिन के नाक में दम कर दे, और ये वाला तो और भी ज्यादा खतरनाक था। उसने एक ऐसा रूम बनाया जो लिलिन को पूरी तरह से कवर कर दिया। अब देखो इस रूम के बारे में बाद में बात करेंगे, पर तुमने एक बात गौर किया, पेज नंबर 4 में जब लिलिन के ऊपर हमला हो रहा था, वहां पर लिलिन के बॉडी से कॉनकरर हाकी भी निकलता है, ब्लैक लाइटनिंग तुम वहां पर निकलते हुए देख सकते हो। यहाँ पे कुछ समझ रहे हो, लिलिन अपने आप को बचाने का ट्राई कर रही होती है, अगर वो दूसरों का सोल खा लेती, पर ये चीज लॉ होने नहीं देता है, ये याद रखना। और मैंने पिछले चैप्टर में भी बोला था लिलिन का हारने का सबसे बड़ा रीजन है लॉ का डेविल फ्रूट अवेकनिंग, बिकॉज वो अंदर से डैमेज देता है। अंदर से डैमेज देने की वजह से फर्क नहीं पड़ता तेरे ऊपर कॉनकरर हाकी कोटिंग है या किसी टाइप का भी कोटिंग है, वो उसको इंटीरियर डैमेज देता है, प्लस वो अपना कॉनकरर हाकी कोटिंग भी नहीं कर पाता है। और ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओडा ने लिलिन को वीक नहीं बनाया है, एक्चुअली लॉ के पास एक स्पेशल टाइप का मतलब अवेकनिंग है जिस वजह से लिलिन के पास उसका तोड़ नहीं है, बस यही समझ लो। अगर हम देखने जाएं एनरू के पास, तो एनरू किस तरह से हारा था लूफी के हाथों, बिकॉज लूफी का जो डेविल फ्रूट था रबर वाला था और उसके पास बिजली वाला पावर था, और रबर तुम तो जानते हो बिजली का कोई असर नहीं होता है, इसी वजह से एनरू हारा था। और वही टाइप का सीन यहाँ पर भी क्रिएट हुआ है। तो जो लोग अंधों की तरह थोड़ा मांगा चैप्टर को रीड करते हैं, उनको लगता है ओडा ने बहुत घटिया चैप्टर लिख दिया, लिलिन को हरा दिया प्लॉट आर्मर के वजह से वगैरह वगैरह इस टाइप से। भाई देखो, तुम उस बंदे को कह रहे हो जिसने सबसे ज्यादा सेलिंग मांगा का रिकॉर्ड बनाया है, उस बंदे को तुम मांगा लिखना सिखा रहे हो, भाई वो तुमसे ज्यादा, तुम उसके जानते हो 1% भी खड़े नहीं हो सकते मांगा लिखने के मामले में, तुम उस बंदे को ज्ञान दे रहे हो। भाई हमें ओडा के इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था, दोबारा चैप्टर पे आते हैं। अब देखो लॉ के लिए खड़ा नहीं होता है, वो लिलिन के लिए खड़ा होता है, बिकॉज उसके अंदर कैद होने के वजह से वो अपने जो चेले चपाटे लोग हैं जैसे कि प्रोमेथियस हेरा, इन लोग को वो यार कुछ भी बुलाए उनको ऑर्डर सुनाई ही नहीं देगा, वो अंदर कैद हो चुकी है, उसका आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। ये लॉ ने बहुत तगड़ा दाव चला, बिकॉज वो अंदर से यार आवाज ही नहीं आ रहा था। किड उधर से अटैक करता गया जिस वजह से वहां पर छेद हो गया, और छेद हो गया ऐसे कि वो सीधे नीचे जाते गई
साथ में वो आर्मरी वाले एरिया पे भी जाती है जहाँ पर यामाटो भी देखती है और वो ये देख के हैरान है कि लिलिन यहाँ क्या कर रही है। साथ ही में वहाँ पर जितने भी आर्मरीज थे जो बॉम्ब्स वगैरह थे उनको भी साथ में लेके वो नीचे चल जाती है। अब यहाँ पे तुम सब एक और बात गौर करना, यामाटो ने अपना जो फ्रीजिंग वाला अटैक करके पिछले वाले चैप्टर्स में उसने बॉम्ब्स को फ्रीज कर दिया था और ये चीजें मैंने पहले भी बोला था जब मैं प्रेडिक्शन बना रहा था या फिर कह लो मैं चैप्टर का रिव्यूज कर रहा था, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि भाई यामाटो बॉम्ब्स को फ्रीज करके किसी तरह से रोकने का ट्राई करेगी बिकॉज उसके पास बर्फीला फॉक्स वाला पावर है। साथ ही साथ तुम लोग एक और चीज गौर करना, वो जो फ्लेम योकाई था जो सबसे बड़ा सरदर्द था उसी के वजह से बॉम्ब्स का फटने का खतरा था जिसे कांजीरो ने ड्रॉ किया था, उसको भी वो साथ में लेके चल जाती है। ये एक तरह से ओडा ने बहुत अच्छा किया बिकॉज इसकी वजह से सबसे बड़ा सरदर्द ही चला गया। भाई वानो भी सेफ, ओनिगासिमा भी सेफ, साथ ही साथ लिलिन डिफीटेड। अब ये अनाउंस हमें आगे के पेजेस में होता है पर यहाँ पर जब लिलिन नीचे गिर रही होती है उस वक्त वो रॉजर को याद करती है, वो कहती है वहां पर आर यू लिसनिंग रॉजर, व्हाई डिड यू हैव टू गो एंड से ऑल दैट। यहाँ पर उसका एक तरह से रॉजर को शिकायत है कि वो अपने लास्ट के टाइम पे उसने ग्रेट पायरेट एरा को क्यों स्टार्ट किया। साथ ही साथ हमें बहुत सारी चीजें मालूम पड़ती है इस चैप्टर में कि बाकी सभी कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, जैसे चॉपर, ब्रुक, रॉबिन, जोरो जो है अपना पड़ा हुआ है, पर इस बार हमें वो स्काइट वाला जो यमराज के दर्शन नहीं होते हैं, वो पता नहीं कहाँ चल गया, मुझे समझ में नहीं आया। क्या ये जोरो का वहम था मुझे नहीं मालूम। साथ ही साथ तुम्हें एक और चीज जान के हैरानी होगा, भाई फुकुरो कुजी बसेस जो राइजू द निंजा इन दोनों का फाइट चल रहा था वो खत्म हो चुका है और राइजू यहाँ पे विनर है और वो वाटर वाटर चिल्ला रहा होता है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर ओरोची और हायोरी भी देखने को मिलती है जहाँ पर हायोरी अपना गिटार बजा रही है, पता नहीं इस वाद्य यंत्र को क्या बोला जाता है मुझे नहीं मालूम। और हाँ यहाँ पर लिलिन एक और चीज भी कहती है, मतलब उसका रॉजर से शिकायत है और उसका ये कहना है तुम्हारा ग्रेट पायरेट एरा को स्टार्ट करने के बजाय तुम ये काम अपने लास्ट समय में कर सकते थे कि हमें वन पीस के बारे में बता देते ताकि उन्हें इन मच्छरों से उलझना नहीं पड़ता जो साइन के लिए योंकों से भिड़ते रहते हैं और उन्हें डिफीट करने का सपना देख रहे होते हैं। और यहाँ पर क्या हो गया, आखिरकार एक योंक को डिफीट हो ही गया। और हाँ हमें यहाँ पर आखिरी टाइम पे मतलब लिलिन तो मरी नहीं है बट यहाँ पर लिलिन का एक धमकी भी देखने को मिलता है, वो कहती है अपने आखिरी टाइम पे किड लॉ आई विल नेवर फॉरगिव यू फॉर दिस, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी इसके लिए। साथ ही साथ वो भी कहती है यू बेटर नॉट थिंक दिस इज इनफ टू किल मी। और ये बात हमें मालूम है, हाँ वो बात अलग है लिलिन को दोबारा अपने फाइट पे वापस आने में बहुत टाइम लग जाएगा, उसको दोबारा रिकवर होने में भी बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि उसको बहुत सारे सोल्स खाने होंगे और वो वहाँ पर यार बहुत सारे सोल्स खाने वाली थी जब वो दोबारा खड़े हो रही थी वहाँ पर, अगर वो सोल खा लेती ना फिर तो यार वो बजा डालती भाई, समझ रहे हो 50 साल की जिंदगी वो छीन लेती उन लोग से, भाई बहुत ज्यादा खतरा बन जाता। लॉ किड भले ही जिंदा बच जाते पर बाकी के मर जाते, एक तरह से लॉ ने बहुत अच्छा किया और किड ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। एट द एंड पेज नंबर 10 में हमें ये बात अनाउंस कर दिया जाता है लाइफ फ्लोर बैटल का विनर कैप्टन किड एंड ट्रफाल्गर डी लॉ है। और पेज नंबर 11 में तुम लोग एक और चीज गौर करके देख सकते हो, लॉ और किड का बुरा हाल है क्योंकि यार उन्होंने अभी योंको के साथ फाइट किया है और योंको ने उसे बुरी तरह गंदी तरह से धोया है, बहुत गंदी तरह डैमेज भी पहुंचा है। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी लॉ और किड के क्रूमेट्स होते हैं ये लोग यार काफी ज्यादा सेलिब्रेट भी करते हैं बिकॉज खुश तो होना चाहिए, उनके कैप्टन्स ने यार योंको को डिफीट किया है मिल करके, ये जान करके उनको तो खुश होना ही चाहिए और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, कोई चिल्ला रहा है बॉस, कोई चिल्ला रहा कैप्टन और ये चीज यार होना चाहिए। साथ ही साथ आखिरी के पेज पे अगर हम लोग चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आखिरी के पेज पे हमें बहुत तगड़ा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, मोमोनोसुके और यामाटो की बातचीत बताई जाती है और यहाँ पर मोमोनोसुके ये बताता है कि जुनेसा सामने ही है, वो वानो कुनी पहुंचने ही वाली है, मतलब तुम समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो सकता है, जुनेसा वानो किस वजह से आ रही है, ये सारे चीजें बहुत ज्यादा सवाल खड़ा करते हैं। प्लस पिछले चैप्टर में जो वॉइस ऑफ ऑल थिंग का यूज किया गया था जिसे मोमोनोसुके ने सुना था भाई वो जुनेसा का था, ये बात तो ऑब्वियसली बात है हर किसी ने प्रेडिक्ट कर लिया था। और यहाँ पर ये हो भी सकता है कि मोमोनोसुके जुनेसा को ऑर्डर दे दे
कि एक काम कर, उन शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दे जो रास्ते में आ रहे। अब तुम बोलोगे मोमोनोस्के को कैसे पता चलेगा कि वो शिप्स आ रहे, वर्ल्ड गवर्नमेंट की शिप्स वहां पे कब्जा करने आ रही है। भाई हो सकता है अभी ज़ुनेसा के साथ और ज्यादा बातचीत हो इन दोनों का, और वहां पर ज़ुनेसा ये बताए कि रास्ते में मुझे शिप्स दिखाई दे रहे हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के, तो हो सकता है मोमोनोस्के उसे ऑर्डर दे दे कि तोड़ दो सालों को। खैर जो कुछ भी हो, ये सुनने के बाद यामाटो का रिएक्शन कुछ ऐसा था, व्हाट यू मीन द एलिफेंट ओडेन मेंशनड इन हिज जनरल। हाँ, यामाटो का रिएक्शन कुछ ऐसा ही है, जो कि ऑब्वियस ही बात है होना चाहिए, बिकॉज यामाटो यार इतने सालों से वानों में ही कैद है, वो बाहर नहीं जा सकती। उसको तो सपना है यार बाहर जा जा के घूमना है, बट वो जा नहीं सकती, क्या कर सकते यार। तो वो जो कुछ भी जनरल में पढ़ी हुई है वो सबको रीड करने के बाद उसको तो हैरानी होगा ना यार, आज हम सच में एक चीज तो देखने वाले हैं। साथ ही साथ ओडा जिस तरह से हमें छोटी छोटी चीजों को यार रिवील करता जा रहा है धीरे धीरे, मैं चाहता हूँ मेरे हाथ में वो ओडेन का जनरल लग जाए, मैं वहां से पढ़ के बहुत तगड़ा तगड़ा वीडियो बनाऊंगा। भाई वो जनरल एक साथ रिवील क्यों नहीं कर रहे, कर दो यार, मेरे को भी तसल्ली हो जाएगा, मुझे भी जानना क्या है विल ऑफ डी। खैर चैप्टर के लास्ट पैनल में मोमोनोस्के ये कहता है, एग्जैक्टली इट कमिटेड ए सीरियस क्राइम 800 ईयर्स एगो बैक वेन इट वॉज जॉय बॉयज कंपेनियन। वो 800 साल पहले उसने क्या क्राइम किया था, इस पर हम कभी और थ्योरी वीडियो बना के डिस्कशन करेंगे 5-6 दिन बाद, बिकॉज अभी लाइन में बहुत सारे वीडियोस यार आने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियोस आएंगे ना जो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दे, उसके लिए एक्साइटेड जरूर रहना। साथ ही साथ अगर तुम मेरे से पूछ रहे हो ये चैप्टर कैसा था, तो मैं इस चैप्टर को दूंगा 7.5 out of 10। अब तुम पूछोगे क्यों, बिकॉज यार देखो ये चैप्टर छोटा था, साथ ही साथ ये चैप्टर में हमें बहुत सारी चीजें रिवील की गई, और हाँ लिलियन का डिफीट होना और लॉ का जलवा देखना तो था ही, तो यार ये 7.5 तो डिजर्व करती है। पिछले चैप्टर में पूरा फाइट भरा हुआ था, ये याद रखना, वहां पर पूरा हमें फाइट दिखाया गया था, और इस वजह से मैंने 7 रेटिंग दिया था ओनली फॉर फाइट, कुछ नया स्टोरी देखने को नहीं मिला। यहाँ पर हमें बहुत तगड़े तगड़े रिवील भी छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। खैर ये तो था मेरा मानना, अब तुम्हारा क्या मानना है, कमेंट बॉक्स रखा हुआ है, जाओ जाके कमेंट करो। साथ ही साथ अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक मारो, और तुम ऐसे ही मेरे वीडियोस अगर फ्यूचर में देखना चाहते हो और जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुम्हें मालूम पड़ जाए और तुम आके सबसे पहले देख सको, तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन चल जाएगा और तुम आ करके पहले इस वीडियो को एंजॉय कर पाओगे। और हाँ यार मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।